जी सर। चले, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पढ़े इसको जरा, बताइए मुझे क्या समझ में आ रहा है आपको, प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडिफायर्स। तो ये वही वाली बात हो गई सर, जो हम लोग क्लास के अंदर ना जो हम लोग वेरिएबल्स बनाते थे, इसके पीछे जो हम लोग पब्लिक या प्राइवेट लिखते थे, तो विद इन अ क्लास ही वो आपके एक्सेस हो सकते थे, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते वो प्राइवेट जो आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट का, जो आप सबको पता है। प्रॉपर्टीज को अमूमन प्राइवेट रखा जाता है और मेथड्स को जनरली पब्लिक रखा जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ वी डू इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्लियर है सबको ये स्लाइड? यस सर, असर्शंस फिर से बता दें, मैंने अभी ज्वाइन किया बेटा। असर्शंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशंस को कहते हैं। मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले जो शरायत होती है उनको हम प्री कंडीशन कहते हैं। मेथड के चल जाने के बाद जो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है उसको हम पोस्ट कंडीशन कहते हैं। तो जावा में हमारे पास एक ऑप्शन है एसर्ट की कमांड का, जिसको यूज करते हुए हम उन प्री कंडीशन को चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी कंपाइलेशन जब मैं आपको जावा में कोई प्रोग्राम लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, तब मैं आपको वो करवा दूंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि मेथड से पहले वाली कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन है। मेथड हो जाने के बाद जो कंडीशन है वो पोस्ट कंडीशन है, और इन प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन को हम टेक्निकल टर्म्स में असर्शंस कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखें। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है और तो पूछे। इसको देखें जी, पब्लिक एंड प्राइवेट मॉडिफायर्स, मजीद क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने प्रॉपर्टीज को क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा मैं प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन की एक बात और बता दूं ताकि रिपा को और लोगों को भी क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने एक अकाउंट के अंदर विड्रॉ का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे पास अकाउंट की क्लास है। तो विड्रॉ क्या है उस क्लास का? एक मेथड है। क्या मैं अकाउंट में उस वक्त तक विड्रॉ कर सकता हूँ जब तक अकाउंट बना हुआ ना हो? नो सर, नहीं कर सकता ना। तो अकाउंट का बनना और उसकी बैलेंस में कोई वैल्यू का होना, उसके अकाउंट आईडी में, अकाउंट नंबर में और अकाउंट होल्डर नेम में कोई वैल्यू का होना जरूरी है। तो अकाउंट का बनना और उसकी प्रॉपर्टीज में वैल्यू होना, ये उसका क्या हुआ? ये उसकी प्री कंडीशन हुई। जब मैंने विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो मेरा जितना बैलेंस था वो बैलेंस उस अमाउंट से कम हो जाए जितना मैंने विड्रॉ किया है, ये उसकी क्या हुई? ये उसकी पोस्ट कंडीशन। ये बात क्लियर है? तो सर सिंपल एग्जांपल में कि अगर मेथड से पहले हमने इफ कंडीशन लगा के चेक करवा लिया कि इसमें के बैलेंस है या नहीं, अकाउंट बना हुआ या नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ है तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर दे, और फिर उसके बाद ये चेक करे कि इसने जो एग्जीक्यूट किया मेथड का जो आउटपुट है वो क्या हमारे कंडीशन में फुलफिल हो रहा है या नहीं, ये पोस्ट कंडीशन हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेथड की बात करूं तो विड्रॉ का मेथड एक स्टैटिक मेथड तो नहीं है, वो तो एक डायनामिक मेथड है, और डायनामिक मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लाजमन क्या चाहिए होता है? बोलो। कंडीशन चाहिए। इंस्टेंस। मुझे इंस्टेंस चाहिए होता है, बगैर इंस्टेंस के मैं उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। सही है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ होगा तो लाजमन मैं उस मेथड को चलाऊंगा ही नहीं, चला ही नहीं सकता। अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो अकाउंट का होना क्या है, वो प्री कंडीशन है, और जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है वो उसकी पोस्ट कंडीशन है। ये बात हो गई। सर हमारे मेथड के अंदर जो उसकी कंडीशंस होती हैं वो हमारी प्री कंडीशंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मतलब मेथड के अंदर इफ लगा हुआ है और हमने बोला कि अगर ये हो तो ट्रू हो तो हमारा ये काम हो जाए, तो सर ये हमारी प्री कंडीशन कहलाएगी? ये हमारी प्री कंडीशन नहीं कहलाएगी, ये हमारे मेथड की प्री कंडीशन कहलाएगी, मेथड एग्जीक्यूशन की नहीं कहलाएगी। Assertions जो है वो मेथड एग्जीक्यूट होने की प्री कंडीशन है।
क्योंकि जो कोड मैं मेथड के अंदर लिख रहा हूँ वो तो सिर्फ तभी चलेगा ना जब मेथड एग्जीक्यूट होगा जी। सही है ना, और मेथड तब एग्जीक्यूट हो सकता है जब ऑब्जेक्ट क्या करता हो, जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट करता हाँ, जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। उनको हम assertions का नाम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, उनको method conditions कह सकते। ठीक है, सही सर जी। और कोई सवाल? चलें जी, यहाँ पर ही आपको फर्दर इलाबरेट कर रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टीज को प्राइवेट रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उनको एक्सेस करने के लिए आपको मेथड चाहिए होगा। कह रहे ये बात? But sir, what if a class में private method, private variable बना हुआ है, अगर वो class किसी से inherit हुई भी है तो क्या हम उसको use कर सकते हैं? एक class के अंदर private method बना हुआ है, private variable बना हुआ है और आप क्या करना चाहते हो, आप उसको use करना चाहते हो, दूसरी क्लास में, और वो क्लास जो इनहेरिट हुई है उसके साथ। हाँ, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब हम इनहेरिटेंस हायरार्की में बात करते हैं ना, तो अगर एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर सारी की सारी प्राइवेट हो और मैं नीचे एक और क्लास बनाता हूँ और उसको मैं उस क्लास ए से इनहेरिट कर लेता हूँ, तो क्लास बी में भी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बात आ रही है समझ में? लेकिन उन प्रॉपर्टी को मैं नाम से एक्सेस नहीं कर सकूंगा। मिसाल के तौर पे क्लास ए में एक प्रॉपर्टी है प्राइवेट बनी हुई और उस प्रॉपर्टी का नाम है एबीसी। एबीसी प्रॉपर्टी कौन सी क्लास में? क्लास ए के अंदर है। जब मैं क्लास बी बनाता हूं और क्लास बी को मैं क्लास ए से इनहेरिट करवाता हूं, तो एबीसी प्रॉपर्टी क्लास बी में भी आ गई है, लेकिन मैं उसको नाम से एक्सेस नहीं कर सकूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि क्लास बी नाम से मेरी क्लास ए वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, तो मुझे एबीसी वाली प्रॉपर्टी को क्लास ए में प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। जब मैं प्रोटेक्टेड रखूंगा तब मैं उसको नाम से एक्सेस कर सकूंगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो इनहेरिटेंस करते हुए हमें अक्सर इस चीज की जरूरत पड़ जाती है कि सब क्लास जो है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को नाम से एक्सेस करे। कंस्ट्रक्टर या मेथड से एक्सेस करना हो तो फिर तो वो आराम से कर लेगा, हमें प्राइवेट ही रहने देना चाहिए, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि मैं चाहता हूँ बाय नेम मैं सब क्लास में उसको एक्सेस कर सकूं, तो उसको मुझे पैरेंट क्लास में लाजमन क्या रखना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है सबको? जी सर। जी सर। इसमें कंफ्यूजन भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। आप हर जगह ये कोड में हर जगह आएगा, डिजाइन पैटर्न का जो जो कोड हम देखेंगे हर जगह ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। फिलहाल आप इतना याद रख लो, प्राइवेट अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ उस क्लास में एक्सेस होगी नाम के साथ, अगर कोई पब्लिक है तो बाहर किसी भी क्लास में एक्सेस हो जाएगी, और अगर प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ जो सब होंगे वो उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है जी, और कोई सवाल? चले जी, इसको एक बार फिर से पढ़ें स्लाइड को। तो क्या हो गया बेटा, तबीयत सही है?
जी भाई क्लियर है, इसमें कोई सवाल कोई कंफ्यूजन? सर आवाज कट रही है आपकी उसामा भाई, बाकी सब लोगों को तो सही आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर लाउड एंड क्लियर। उसामा साहब को भी क्लियर। तो अगली क्लास में मेक श्योर करें सबके पास माइक्स हो ताकि वाइवाज हो या लाइव क्विजेस हो, आप लोग मेरी आवाज जो है लेके मुझे जवाब दे सके। हाँ जी इसको देखें प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडिफायर्स। जी भाई क्या हो रहा है पहली लाइन में? इंस्टेंशिएट हो रहा है। वेरी गुड, एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा है। किस नाम का ऑब्जेक्ट? एक्स स्पीशीज के नाम से। एक्स स्पीशीज के नाम की कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? सर ये स्पीशीज थर्ड ट्राई के नाम। सही है, और अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके इंस्टेंशिएट हो रहा है। ठीक है ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। अगली लाइन में क्या हो रहा है? सर मेथड जो स्टैटिक नहीं है वो लाजमन क्या है? वो डायनामिक है। ठीक है ये तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हो, लेकिन ऐसा कोई भी मेथड जो स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक है, इस बात को हमेशा अपने ज़हन में नशीन करके याद रख लो। ठीक है ऐसा कोई भी मेथड जो स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक है, और स्टैटिक मेथड की निशानी क्या होती है? स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। क्या बेटा वो तो मेथड डेफिनेशन में लगा होता है। हाँ वो तो मेथड डेफिनेशन में लिखा हुआ लगा हुआ होता है ना, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ क्लास के नाम से कॉल हो रहा होता है। वेरी गुड शाबाश। ठीक है और कोई मिसाल लाइब्रेरीज जो हम यूज करते हैं उसमें कोई स्टैटिक मेथड की मिसाल? कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैसेज बॉक्स डॉट शो, कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन, राइट लाइन, ये सारे मेथड्स क्या हैं? ये सारे मेथड्स स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक। जब भी हम लाइब्रेरीज में ज्यादा काम करते हैं तो लाइब्रेरीज में उमूमन मेथड्स को स्टैटिक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है स्टैटिक? तो बार-बार ऑब्जेक्ट ना, बार-बार ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, सही है ना, क्योंकि बार-बार हमें कॉल करना होगा तो हम डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू उसको कॉल आसानी के साथ कर सकें। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। जी सर। इस लाइन में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट कर रहे हैं। और इनवैलिड लिखा हुआ है आगे, इनवैलिड क्यों लिखा है? ये पॉसिबल नहीं है सर ऐसा। सॉरी प्राइवेट है प्रॉपर्टी, नेम की प्रॉपर्टी प्राइवेट है जी। अगर नेम को मैं पब्लिक कर दूं तो ये चल जाएगा? यस सर। क्या हो रहा है इस लाइन में? इनवैलिड लाइन है वैसे तो, उसमें नेम स्टोर हो रहा है वेरिएबल के अंदर, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि प्राइवेट है। ये काम हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, सही है? तो सर ये मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सॉरी सर मेथड के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम इसको नेम को प्राइवेट कर दें, पब्लिक कर दें तो। यस सर ये तरीका गलत है। तो ये हम क्या कर रहे हैं दरअसल, ये हम क्लास की एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लास की एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? जॉब्स अभी मांगने जाओगे इंशाल्लाह एक दो सेमेस्टर के बाद जब तुम लोगों का टाइम आएगा, तो अक्सर मेरे पास कम से कम 100 बच्चे अब तक आए होंगे कि सर हम गए, हमें सी शार्प के ऊपर बिठा दिया लैपटॉप के ऊपर, बोला एक क्लास बनाओ और उसकी एनकैप्सुलेशन ब्रेक करके बताओ। ठीक है तो एनकैप्सुलेशन ब्रेक करने का मतलब यही होता है कि प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस कर दें जरा। क्लियर है?
जी सर कह रहा था बीच में, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहा है। एनकैप्सुलेशन ब्रेक होगी कैसे सर वैसे? हाँ एनकैप्सुलेशन ब्रेक होगी इससे। तो कब एनकैप्सुलेशन ब्रेक होती है? जब भी क्लास की कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस हो जाए ऑब्जेक्ट नेम से तो एनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाती है। क्लियर है? लेकिन हाँ बोलो इंसाफ़। आप जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का जिसमें हमने बनाया है तो सर जब हम उसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करेंगे तो वो नेम तो उसको शो करना ही चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट है अगर हम किसी दूसरी क्लास में जाके कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि नेम को उसने पब्लिक रखा हुआ है तो वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस गलत है। ठीक है सही। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहे होंगे। अच्छा सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत बार ऐसा किया भी जाता है, सही है ना, खास करके फॉर्म वेरिएबल्स के लिए। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको थ्योरी कहती है कि वो गलत हैं लेकिन वो इंडस्ट्री में वो फॉलो हो रहा होता है। उसामा जाहिद कह रहे हैं इसका नुकसान क्या, एनकैप्सुलेशन ब्रेक होती है रियल लाइफ में। देखो एनकैप्सुलेशन अगर ब्रेक हो जाएगी तो दूसरी क्लास जो मेरी क्लास को इस्तेमाल कर भी रही होगी उस क्लास को मेरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और टेक्निकली उसको मेरा स्ट्रक्चर पता नहीं लगना चाहिए, सही है ना। यानी ये उसको पता चल जाएगा मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन सी हैं तो ये कभी भी दूसरी क्लास को पता नहीं लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल लाइफ में इंसान की तरह है। आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हो? वही जानते हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे, अगर मुझे जवाब देना होगा एजुकेशन से रिलेटेड होगा या ऐसा रिलेटेड होगा कि मैं वो जवाब सबको दे सकूं तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल पूछोगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। इसी तरह से आप भी मेरे साथ यही करोगे, मैं आपसे सवाल करूंगा जो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में होगा, आपके एजुकेशन के इंटरेस्ट में होगा, आप जवाब दोगे। मैं आपसे कुछ और पूछना शुरू कर दूंगे, फॉर एग्जाम्पल कि यार तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है मिसाल के तौर पे, तो ये बात आप मुझे नहीं बताओगे। तो ये सेम मैथडोलॉजी किसकी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है। हम दूसरे बंदे को सिर्फ वही बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। बात आ रही समझ में? और ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट एनकैप्सुलेशन। क्लियर है यहां तक कोई? या फिर मैं किसी से पूछू कि आपने कभी कोई चोरी करी है, आप शायद मुझे नहीं बताना चाहोगे, मैं तुम मुझे क्यों बताओ, सही है। तो ये बेसिक चीज है। अगली दो लाइंस देखें, इसमें भी एक्स स्पेशीज के थ्रू पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस हो रही है तो यहाँ पे भी एनकैप्सुलेशन ब्रेक हो रही है तो इसने इसको क्या बोला है? इसने इसको इनवैलिड बोला है। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। मैथड्स कैन ऑल्सो बी प्राइवेट, सो मैथड्स लाइक रीड इनपुट मस्ट बी मैथड्स, कुछ मैथड्स होते हैं उनको भी हम प्राइवेट रखते हैं, सही है ना, फ्रेंड मैथड्स कहलाते हैं। क्या होते हैं उनको भी देखेंगे आगे जाके, लेकिन रीड इनपुट जैसा जो मेथड है उसको हम क्या रखना चाहेंगे? उसको हम पब्लिक रखना चाहेंगे। क्लियर है यहां तक कोई सवाल स्लाइड में तो पूछे? नो सर, क्लियर सर। चले वंडरफुल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको देखें जरा, एक्सेसेस और म्यूटेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। एक्सेसर मेथड्स वो होते हैं जो आपके प्राइवेट वेरिएबल्स को जो चेंजेस कर सकते हैं। बेटा गेट मेथड्स को हम एक्सेसर्स कहते हैं और सेट मेथड्स को म्यूटेटर्स कहते हैं, ठीक है। सी शार्प के अंदर आप गेट सेट डायरेक्ट बना सकते हो, जावा के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो जावा में गेट सेट के पूरे पूरे आपको मेथड्स सीखने पड़ते हैं। किसी भी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम उसके गेट और सेट मेथड्स बनाते हैं। क्लियर है? जी सर। और एक्सेसर जितने भी गेट मेथड है, जैसे एम्प्लॉय की क्लास में ई नेम की प्रॉपर्टी है तो गेट ई नेम में बनाऊंगा वो एक्सेसर कहलाएगा, सेट ई नेम में बताऊंगा वो म्यूटेटर कहलाएगा। लेकिन अक्सर हमें म्यूटेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट बनते हुए वो कंस्ट्रक्टर में ही सेट हो जाती है।
बात आ रही है समझ में? लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें लगता है कि चेंज होगी आगे जाकर, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, उसके लिए हम म्यूटेटर दे सकते हैं, हम सेट करने का उसको मेथड दे सकते हैं। देखो बता रहे हैं पब्लिक मेथड जो रीड करता है उसको हम एक्सेसर कहते हैं, और एक्सेसर का नाम हमेशा किससे बनता है, शुरू होता है गेट से शुरू होता है। पब्लिक मेथड दैट चेंजेस द डेटा स्टोर्स इन वन और मोर प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल इज कॉल्ड म्यूटेटर, और म्यूटेटर का नाम हमेशा सेट से आ रहा होता है। लास्ट टाइम पढ़ो, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। क्लियर सर? क्लियर है सबको? यस सर। जी सर क्लियर। कोई सवाल बेटा? चले इसको देखे, एग्जांपल देखे इसकी जल्दी से। क्या हो रहा है यहाँ पर सर? सब जगह जो है वो वैल्यू सेट ही हो रही है, जो पैरामीटर में वैल्यूज आ रही हैं वो जाके वैल्यू प्रॉपर्टीज में जाके सेट हो रही है पूरे मेथड में। सही है, तो हमारे पास एक मेथड डिफाइन हो रहा है सेट के नाम का। सेट का मेथड क्या कर रहा है? सेट के मेथड में तीन पैरामीटर डिफाइन हुए हैं, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक डबल, न्यू नेम, न्यू पॉपुलेशन और न्यू ग्रोथ रेट। नेम को हम किसके बराबर सेट कर रहे हैं? नेम को हम न्यू नेम के बराबर सेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ न्यू पॉपुलेशन क्या हुई हुई है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो पॉपुलेशन को किसके बराबर कर रहे हैं? न्यू पॉपुलेशन के बराबर कर रहे हैं। एल्स हम क्या कर रहे हैं? एल्स हम सिस्टम से एग्जिट कर रहे हैं। अगर उसने क्या करा हुआ है, नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट को हम क्या दे रहे हैं? न्यू ग्रोथ रेट दे रहे हैं। तो ये म्यूटेटर मैथड है। क्यों म्यूटेटर मैथड है? क्योंकि ये एक सेट का मैथड है। क्लियर है जी? यस सर। यानी इससे क्या बात साबित हुई? सेट का मेथड किसी एक प्रॉपर्टी को ऊपर काम करे, लेकिन उसके लिए अगर दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको चाहिए हो तो उसको भी वो इस्तेमाल कर सकता है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पे नेम भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। नेम की भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, और जो रिटर्न हो रही है वो क्या रिटर्न हो रही है? ग्रोथ रेट की प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न हो रही है। रिटर्न तो नहीं हो रही, वॉइड मेथड है, लेकिन एक्चुअल जो फाइनल वैल्यू सेट हो रही है वो ग्रोथ रेट पे सेट हो रही है। क्लियर है? एक्सेसर देखिए जल्दी से, यहाँ पे सारे रिटर्न्स आ रहे होंगे। चलिए लेस देन अ मिनट बाकी है, मैं फॉरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ। सही है, जैसे ये खत्म होगा मैं फॉरन एक मिनट के अंदर अंदर रिकनेक्ट करूंगा, आप लोग सब दोबारा ज्वाइन करिएगा। वैल्यूज रिटर्न हो रही है ना सर इसमें तो? सॉरी, okay.